करीब 30 साल पहले कश्मीर से अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। इस बीच कितनी ही सरकारें बदली, कितने मौसम आए गए, पीढ़ियां तक बदल गईं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और न्याय के लिए उनकी लड़ाई आज भी जारी है। पलायन की कहानी किसी से छिपी नहीं। सन 1989 और 1990 में जो हुआ उसका उल्लेख करते करते 30 साल बीत गए, लेकिन इस पीड़ित समुदाय के लिए कुछ नहीं बदला। लेकिन जो बदल रहा है उससे इस समुदाय के अस्तित्व, संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल धीरे धीरे समय चक्र के व्यूह में लुप्त होने की कगार पर है। जनवरी का महीना पूरी दुनिया में नए साल के लिए एक उम्मीद लेकर आता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए ये महीना दुख, दर्द और निराशा से भरा है। 19 जनवरी प्रतीक बन चुका है उस त्रासदी का जो कश्मीर में 1990 में घटित हुई। जिहादी इस्लामिक ताकतों ने कश्मीरी पंडितों पर ऐसा कह ढाया कि उनके लिए सिर्फ 3 ही विकल्प थे, या तो धर्म बदलो, या तो मरो, या फिर पलायन कर जाओ। आतंकवादियों ने सैकड़ों अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था। कई महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी गई। उन दिनों कितने ही लोगों के आए दिन अपहरण कर उनके साथ मारपीट की जाती थी। पंडितों के घरों पर पत्थरबाजी और मंदिरों पर हमले लगातार हो रहे थे। घाटी में उस समय कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए कोई नहीं था, न तो पुलिस, न प्रशासन, न कोई नेता और न ही कोई मानवाधिकार के लोग। उस समय हालात इतने खराब थे कि अस्पतालों में भी समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया था। कश्मीरी पंडितों के साथ सड़क से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, दफ्तरों में प्रताड़ना हो रही थी, मानसिक, शारीरिक और सांस्कृतिक। 19 जनवरी 1990 की रात को अगर उस समय के नवनियुक्त राज्यपाल जगन मोहन ने घाटी में सेना नहीं बुलाई होती तो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम वे महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और ज्यादा होता। उस रात पूरी घाटी में मस्जिदों के लाउडस्पीकर से ऐलान हो रहा था कि काफिरों को मारो, हमें कश्मीर चाहिए पंडित महिलाओं के साथ, न कि पंडित पुरुषों के साथ, यहाँ सिर्फ निजामे मुस्तफा चलेगा। लाखों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर मौत का तांडव करने की तैयारी कर रहे थे। अंत में सेना कश्मीरी पंडितों के बचाव में आई। ना कोई पुलिस वाला, ना नेता और ना ही सिविल सोसाइटी के लोग। लाखों की तादाद में पीड़ित कश्मीरी हिंदू समुदाय के लोग जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य शहरों में काफी दयनीय स्थिति में जीने लगे, लेकिन किसी सिविल सोसाइटी ने उनकी पीड़ा पर कुछ नहीं किया। उस समय की केंद्र सरकार ने भी कश्मीरी पंडितों के पलायन या उनके साथ हुई बर्बरता पर कुछ नहीं किया। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक 300 से ज्यादा लोगों को 1989 और 1990 में मारा गया। इसके बाद भी पंडितों का नरसंहार जारी रहा। 26 जनवरी 1998 में बंदहामा में 24, 2003 में नदीमर्ग गांव में 23 कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया। 30 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुए किसी भी केस में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हैरानी की बात यह है कि सैकड़ों मामलों में तो पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की है। पलायन के बाद कश्मीरी पंडितों के घरों की लूटपाट की गई, कई मकान जलाए गए, कितने ही पंडितों के मकानों और बाग बगीचों पर कब्जा कर लिया गया, कई मंदिरों को तोड़ा गया और जमीनें भी हड़पी गईं। इन सब घटनाओं का आज तक पुलिस में केस तक दर्ज नहीं, न कोई केस, न कोई कार्रवाई। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक भय, उत्पीड़न, प्रताड़ना से ग्रस्त कश्मीरी पंडितों के समुदाय के लिए किसी ने आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। न्यायाधीश नीलकंठ गंजू, टेलीकॉम इंजीनियर बालकृष्ण गंजू, दूरदर्शन निदेशक लसाकू, नेता टीका लाल टपलू जैसे इस समुदाय के कई प्रतिष्ठित नेता थे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया था, और आज तक इन सब के केस का कुछ नहीं हुआ। कश्मीर के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, यहाँ तक कि दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की बात नहीं की। जब पंडितों पर हमले हो रहे थे तब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। जब घाटी से पंडितों का पलायन हुआ तब मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे, लेकिन किसी ने पंडितों को बचाने या न्याय दिलाने की न तो बात की और न ही कोई कदम उठाया। ये समुदाय का दुर्भाग्य ही है
कि उनके पलायन को लेकर न तो कोई न्यायिक आयोग या फिर SIT या साधारण सी जांच की गई हो। कश्मीरी पंडितों को आज भी न्याय का इंतजार है। साल 2020 एक नए युग की शुरुआत है। 3 दशक बीत जाने के बाद आज भी इस समुदाय के लिए घर वापसी की राह आसान नहीं, मगर उम्मीद जरूर जगी है। स्पेशल डेस्क इन भारत।